मुँ डाक्टर प्रशांत कुमार परिडा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सबु लोकंकर धारणा थाए जे केमोथेरापी चिकित्सा प्रणाली कौन तेणु आपण मैंने जानिथिबे केमोथेरापी बा औषधीय चिकित्सा प्रणाली कर्कट बा कैंसर रोग में व्यवहार करा जाय थाए शल्य चिकित्सा बा सर्जरी रेडियोथेरापी बा विकिरण चिकित्सा एवं केमोथेरापी बा औषधीय चिकित्सा प्रणाली कर्कट रोग में चिकित्सा पाई व्यवहार करा जाय थाए एवं आजिकल खाली केमोथेरापी नुहे बहुत किसी नुआ टार्गेटेड थेरापी हार्मोनल थेरापी एवं इम्यूनोथेरापी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये सब आसला जहाँकि आम आगुरी जो एडवांस स्टेज कर्कट बा कैंसर व्यवहार करते सेगुड़ाक अर्ली स्टेज धीरे धीरे आम व्यवहार करिवारे आरंभ कलु तेणु आगुरी जो केमोथेरापी दिया होता आम साइटोटॉक्सिक केमोथेरापी कहते तेणु जो पार्श्व प्रतिक्रिया साइड इफेक्ट केमोथेरापी होता से बहुत लोग केमोथेरापी नापाई इच्छुक ना जमीक तार पार्श्वक्रिय प्रतिक्रिया आप देखिए चुट्टी उपुड़ जावा चर्म घा कला पड़ जावा पटी घा पतला झाड़ा ज्वर होगा दुर्बलता लगवा भोक न होगा यही सबू काउंट्स WBC हेमोग्लोबिन प्लेटलेट कमी जावा यही सब पार्श्व प्रतिक्रिया जो बहुत लोग केमोथेरापी नहीं नथांती एवं जो मैंने नहीं था केतटा से संपूर्ण रूपे नहीं नथांति कहीं अधार बंद कर दे जहाद्वारा कि गोटे रोग जहाँकि केमोथेरापी संपूर्ण ने भल हवा कथा सी रिकरेन्स रिलैप्स होता है तेणु आजिकल ये जो केमोथेरापी औषधीय चिकित्सा प्रणाली को ता बदल बहुत किसी नुआ चिकित्सा प्रणाली आसला जमीक टार्गेटेड थेरापी इम्यूनोथेरापी एवं हार्मोनल एजेंट्स तेणु सबू रोगी केमोथेरापी कौन निहाती दरकार तेणु आमर बहुत लोग मनरे डाउट थाए जे मो जो मैंने कर्कट रोग में पीड़ित होता से भावती मोर कौन केमोथेरापी निहाती दरकार केमोथेरापी न ने कौन हूँ तेणु आपड़ी गोटे एग्जाम्पल आम ना स्तन कर्कट प्राथमिक अवस्था जदि स्टेज वन जो थे कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव HER2 नेगेटिव 70 वर्ष पर जो लोक आेणु से क्षेत्र में आम प्रायतः केमोथेरापी दरकार पड़ न था और से आम गोटे परीक्षा करोटा कि रिकरेन्स स्कोर अंक टाइप DEDX किंवा क्यान असिस्ट ब्रेस्ट मामा प्रिंट तेणु या द्वारा आम रिकरेन्स रिस्क जानी था तेणु जदि लो रिकरेन्स थाए से क्षेत्र में केमोथेरापी संपूर्ण रूप अभॉइड बा दे न था तेणु यही केमोथेरापी सब दरकार है और केमोथेरापी रोग स्टेज कौ स्टेज डायग्नोसिस हो बहुत बेले बेले आम लोकंर कोमोरबिडिटी देखि था जमीक जड़े लोकर जब हृदरोग अच्छी किंबा मायोकार्डियल डिजीज अच्छी से क्षेत्र में आम जो औषध गुड़िक जमी एंथ्रासाइक्लिन ट्रांसटोजुमाब है से मानकर हार्ट उपर प्रभाव थाए से क्षेत्र में अवॉइड करेणु लोकंर कोमोरबिडिटी कौन कौन रोग अच्छे से हिसाब से आम केमोथेरापी सिलेक्ट करेणु जदि भी जड़े लोक लोक आप कर्कट रे डायग्नोसिस होती एवं सब भयभीत होगा दरकार ना सब लोकर केमोथेरापी दरकार न था आजिकल केमोथेरापी बहुत उन्नत मान केमोथेरापी आसला जहाद्वारा कि आम बहुत कम पार्श्व प्रतिक्रिय दे पार एवं बहुत नुआ नुआ टार्गेटेड थेरापी जमी आम लंगस एडेनोकार्सिनोमा क्षेत्र में आप देखिए बहुत किसी नुआ मॉलिक्युलरली टार्गेटेड थेरापी आसला जमी EGFR एगेंस्ट टार्गेटेड थेरापी जेपिटिनिब एलोटिनिब ओसिमोटिनिब सेमती ALK पॉजिटिव थे क्रिजोटिनिब सेरिटिनिब आलेक्टिनिब ये सब आसला तेणु एमती बहुत किसी नुआ नुआ टार्गेटेड थेरापी आसला इम्यूनोथेरापी इम्यूनोथेरापी आम जहाँ आम इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर कही था सेगुड़िक निभोलुमाब पेम्रोलिजुमाब आभेलुमाब डुर्भालुमाब आटोजोलिजुमाब एगुड़ाक प्रथम चतुर्थ अवस्था एडवांस स्टेज कर्कट जमीक मुखगहर हेड एंड नेक कैंसर पाकस्थल कैंसर लंग कैंसर ब्लाडर कैंसर कलन कैंसर तेणु सब क्षेत्र में व्यवहार कराला और धीरे धीरे से गुड़क आम अर्ली स्टेज आम बहुत किसी नुआ ट्राएल आसला तेणु फ्यूचर में बोध हुए आम बहुत रेयरली केमोथेरापी व्यवहार करवा मानने आम जहाँ कहे फ्यूचर विल बी द एरा ऑफ टार्गेटेड थेरापी एंड इम्यूनोथेरापी तेणु आम धीरे धीरे यही केमोथेरापी पार्श्व प्रतिक्रिया धीरे धीरे आम कम व्यवहार करवा फ्यूचर में टार्गेटेड एवं इम्यूनोथेरापी बहुत व्यवहार आम करें।